यस क्लास 10th, ठीक है। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सारे उसके ऑर्गन्स के एलिमेंट्री कैनाल के जो भी पार्ट थे, ठीक है, सारे हमने पढ़ लिए हैं। एलिमेंट्री कैनाल के जो भी पार्ट थे वो सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम इसकी बात पढ़ेंगे, इसके ग्लैंड्स। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितनी है? तीन। कौन कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, पेनक्रियाज, ठीक है, और एक हमारे है लीवर, ठीक है। तो इन तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक, फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है। सलाइवरी ग्लैंड है, कितनी पैर हमारे जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है? थ्री पैर। कितनी प्रेजेंट होती है बेटा? थ्री पैर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पहली बात तो ये याद रखना है कि थ्री प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होगी ये? माउथ में। कहाँ पर? माउथ में प्रेजेंट होगी। अब ये कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है? तो देखो, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा सीक्रेशन किया जाता है। कौन सा, क्या चीज़ सीक्रेट की जाती है? सलाइवा। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है आपको अच्छे से पता है? सर, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। सर, ये काम क्या करता है, ठीक है? तो देखो, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम आपको पता है ये क्या काम करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें? डाइजेशन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है बेटा? सलाइवा। कौन करता? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। वो सलाइवा क्या काम करता है? जो भोजन है, ठीक है, उसको लुब्रिकेंट बना देता है। भोजन को क्या बना देता है? सलाइवा। भोजन को लसलसा बना देगा। कैसा बना देगा बेटा? भोजन को बिल्कुल लसलसा बना देगा। कौन बनाएगा? सलाइवा, ठीक है। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेज। और ये किसका किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड में हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि सलाइवरी ग्लैंड होती है जो थ्री पेयर होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के कितने प्रेजेंट होते हैं? थ्री पेयर होती है। वो कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेशन किसका करती है? सलाइवा। सलाइवा में एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज डाइजेशन किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। सलाइवा और क्या करता है बेटा? लुब्रिकेंट ऑफ फूड। फूड को कैसा बना देता है? बिल्कुल लुब्रिकेंट बना देता है। तो सलाइवरी ग्लैंड तो हमें आती थी सर, अब दूसरी वाली बता दो आप। हम दूसरी वाली देख रहे हैं पेनक्रियाज। कौन सी ग्लैंड देख रहे हैं बेटा? पेनक्रियाज। दूसरी ग्लैंड हम देख रहे हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड देख रहे हैं हम? पेनक्रियाज ग्लैंड। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो सर, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? तो फर्स्ट लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है उसका नाम याद रखना है लीवर। कौन सी होती है? लीवर। तो लीवर के बाद कौन सी बड़ी ग्लैंड है? पेनक्रियाज। ये प्रेजेंट कहाँ होती है सर? ये प्रेजेंट होती है नियर ड्यूडेनम। नियर ड्यूडेनल, ठीक है, नियर ड्यूडेनम लूप। जैसे ये है फूड पाइप, ये स्टोमक, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारे? ड्यूडेनम। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया बेटा? ड्यूडेनम। यहाँ पर ये जो लूप है, यहाँ पर ये ग्लैंड प्रेजेंट है। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम? पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं इस ग्लैंड को? पेनक्रियाज।
ठीक है, तो पेनक्रियास ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? नियर ड्यूडेनम का जो लूप बन रहा है उस लूप के पास में जो प्रेजेंट होती है उस ग्लैंड का नाम क्या है? पेनक्रियास। और याद रखना ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। कैसी है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। एक ग्लैंड की बात इसकी बात करेंगे, पेनक्रियास ग्लैंड होती है, ठीक है, ये जो पेनक्रियास ग्लैंड है हमारे, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह वर्क करती है। किसकी तरह? एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी फंक्शन करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी फंक्शन करती है। तो एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी एंजाइम्स हैं इस ग्लैंड में, क्या होते हैं जो भी एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं, ठीक है, डायरेक्टली टारगेट पार्ट तक आ जाते हैं डक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू किस में आ जाते हैं? टारगेट पार्ट पर, ठीक है। देखो इसमें डक्ट आएगी, क्या यूज़ आएगी? डक्ट, ठीक है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जिससे कोई भी एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो डक्ट के थ्रू सीधे कहाँ पहुँच रहे हैं? टारगेट पार्ट में। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो भी एंजाइम या हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं बेटा? टारगेट पार्ट पर। कहाँ पर पहुँचते हैं? टारगेट पार्ट पर। अगर वो ब्लड के थ्रू पहुँचे तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर वो डक्ट के थ्रू टारगेट पार्ट पर पहुँचा दे अपना एंजाइम या हार्मोन जो भी है, ठीक है, वो डक्ट के थ्रू अगर टारगेट पार्ट तक पहुँचा दे तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड अगर एंजाइम या हार्मोन वो ब्लड के थ्रू टारगेट पार्ट तक पहुँचाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब वो इसका फंक्शन देख लेते हैं, एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या फंक्शन है इसका, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या फंक्शन है। हम कह रहे हैं कि पेनक्रियास ग्लैंड होती है जो दोनों तरीके से कार्य करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी फंक्शन करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी फंक्शन करती है। अब हम देखते हैं इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। पेनक्रियास एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियास एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये क्या हेल्प करती है, ठीक है। देखो ये एल्केलाइन जो एक्सोक्राइन होगी वो क्या रिलीज करेगी, ये तो हो गया कि ये डक्ट के थ्रू कहाँ, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट के थ्रू इसमें जो एंजाइम्स है वो कहाँ डालेगी बेटा? टारगेट पार्ट कौन सा है इसका? ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट है इसका? ड्यूडेनम पार्ट में, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे पेनक्रियास प्रेजेंट है तो डक्ट के थ्रू इसका जो एंजाइम्स है, ठीक है, वो कहाँ आ जाएंगे? ड्यूडेनम में। कहाँ आएंगे? ड्यूडेनम पार्ट में एंजाइम्स। तो डक्ट के थ्रू एंजाइम्स किस में आ जाएंगे? ड्यूडेनम पार्ट में आ जाएंगे। अब ये सीक्रेट क्या करती है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती है? एक तो ये सीक्रेट करती है एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करती है बेटा? एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, ठीक है। एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगी जिससे क्या होगा, इनएक्टिव एंजाइम वो किसमें हो जाएंगे? एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट। ड्यूडेनम में जो इनएक्टिव एंजाइम्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव है, क्या है? इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन में। किसमें? ट्रिप्सिन में। ये एक्टिव फॉर्म में, क्या है? तो इनएक्टिव एंजाइम किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ट्रिप्सिन में। वो इनएक्टिव एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम्स में कब कन्वर्ट होते हैं? एल्केलाइन मीडियम में। किसमें? एल्केलाइन मीडियम में। और ये एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कौन कर रहा है? पेनक्रियास, ठीक है। और कौन सा एंजाइम है सर? काइमोट्रिप्सिनोजन। तो काइमोट्रिप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? काइमोट्रिप्सिन में। किसमें? काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है। और प्रोकार्बोहाइड्रोक्सीडेज एंजाइम होता है, ठीक है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सब क्या हो जाते हैं? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है।
और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो जो फैट मॉलिक्यूल है उनको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल में कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कौन कर देगा? ये पेनक्रियाटिक जूस इसको बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो याद रखना पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है, वो क्या करता है इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई एंडोक्राइन एक्सोक्राइन की बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है, उनके फंक्शन क्या है, आगे देखते हैं हम। एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है, देखो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सेल्स होती है क्या होती है, सेल्स, अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती है। और ये सेल्स होती है वो ग्रुप में प्रेजेंट होती है, किसमें? इसकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसकी जो सेल्स है वो ग्रुप में प्रेजेंट होती है, और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं याद रखना, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं बेटा, बात आई समझ में? एंडोक्राइन ग्लैंड है, ग्लैंड में तो सेल्स पाई जाएगी, तो सेल्स होती है वो ग्रुप में प्रेजेंट होती है, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। अब ठीक है, जैसे ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड है ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, ये अलग अलग सेल्स हैं, तो ऐसे ऐसे ग्रुप बन जाते हैं, इन सेल्स के क्या बन जाते हैं बेटा, ऐसे ग्रुप। तो इन ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। स्लेट ऑफ लैंगरहैंस में ध्यान रखना, हम कह रहे हैं कि सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, वो ग्रुप में प्रेजेंट होती है, वो स्लेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। स्लेट ऑफ लैंगरहैंस में तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, तीन टाइप की। कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल प्रेजेंट होती है। अब इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है, अल्फा सेल क्या काम करता है, बीटा सेल क्या काम करता है, डेल्टा सेल क्या काम करता है। देखो अल्फा सेल्स होता है जो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, ग्लूकेगोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये ग्लूकेगोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है ठीक है। अब ये इसका काम क्या बेटा, हमने कह दिया कि अल्फा सेल्स होते हैं जो कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ग्लूकेगोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इस ग्लूकेगोन हार्मोन का काम क्या है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम किसका है, तो ये ग्लूकेगोन हार्मोन। तो ये ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकेगोन हार्मोन उसको किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। जब भी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन हार्मोन्स क्या करता है, ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है, ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। तो याद रखना कि स्लेट ऑफ लैंगरहैंस में तीन टाइप की सेल्स पाई जाती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ग्लूकेगोन हार्मोन। कौन सा, ग्लूकेगोन हार्मोन। और ये ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है बेटा, ग्लाइकोजन को बदलता है ग्लूकोज के अंदर। अब दूसरी सेल्स है हमारी बीटा सेल्स। कौन सी सेल्स है, बीटा सेल। ये कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती है, याद रखना इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को, देखो ये जो ग्लूकोज है, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा आ गया है, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, तो उस ग्लूकोज को किस में बदल देगा, वापस किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में। समझो बेटा, देखो अल्फा सेल्स होती है वो तो ग्लूकेगोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करती है, ग्लाइकोजन को किस में बदल देती है, ग्लूकोज में बदल देती है। अब बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी वो ग्लूकोज को किस में बदल देगा बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में बदल देगा। अब आती है आगे डेल्टा सेल। कौन सी होती है, डेल्टा सेल। ये कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, याद रखना सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है ठीक है। ये क्या काम करती है, ये कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है अल्फा एंड
बीटा सेल्स को, अल्फा एंड बीटा सेल्स, ठीक है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन किसका है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करती है, अल्फा और बीटा सेल्स को कंट्रोल करके रखती है। तो याद रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, वो सेल्स होती है जो ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होती है, उस ग्रुप को बोलते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। इस स्लेट ऑफ लैंगरहैंस में तीन टाइप की सेल्स है, एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल, एक है डेल्टा सेल। जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकोगोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये ग्लूकोगोन हार्मोन होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जबकि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है डेल्टा सेल्स होता है जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये अल्फा और बीटा सेल्स को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। तो हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने पेनक्रियाजिक ग्लैंड भी पढ़ लिया, अब एक थर्ड ग्लैंड है वो उसको और पढ़ा देता हूँ, लीवर। कौन सी ग्लैंड है, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है हमारी, तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं लीवर। कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, लीवर। ठीक है, अगर हम बात करें तो इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड, ये क्या है, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड। आपको पूछ ले सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो क्या बताओगे, लीवर है। कौन सी है, लीवर। इसका जो वेट होता है लगभग कितना होता है, 1.5 kg, कितना होता है इसका वेट, 1.5 kg ऑफ ह्यूमन, ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमंस की बात करें तो इसके अंदर जो लीवर है उसका वेट कितना है, 1.5 kg लीवर होता है। ठीक है, अब इसके बाइलोब्ड होती है, ये कैसी होती है बेटा, बाइलोब्ड। ठीक है, एक होता है इसका राइट लोब, ठीक है, तो जो बाइलोब्ड होती है इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट लोब, ये क्या हो गया इसका लेफ्ट लोब। ठीक है, राइट लोब होता है जो लार्ज होता है, कैसा होता है, लार्ज, आकार में बड़ा होगा। लेफ्ट लोब होगा वो क्या, कैसा होता है, स्मॉल, थोड़ा सा। जैसे अगर मैं बात करूँ लीवर की, ठीक है, तो जैसे ये लीवर है, ठीक है, ऐसा लीवर है, ये दो भागों में कन्वर्ट है, ये इसका राइट लोब और ये इसका लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब होता है जो थोड़ा छोटा होता है, राइट लोब होता है जो बड़ा होता है। अब इनमें लोब्स में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, याद रखना इनके लोब्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है हिपेटिक सेल। कौन सा बोला जाता है, ठीक है, ये क्या सीक्रेट करती है, लोब्स में प्रेजेंट होता है हिपेटिक सेल, ये क्या प्रेजेंट करती है बेटा, एल्केलाइन फ्लूइड। कौन सा प्रेजेंट करती है, एल्केलाइन, बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। अब बाइल जूस, ठीक है, इस बाइल जूस में किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट क्या होता है, बाइल जूस, एल्कलाइन बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, याद रखना दो पिगमेंट प्रेजेंट है, बिलीरुबिन एंड बिली विर्डिन। कौन से प्रेजेंट है, बिली रूबिन और बिली विर्डिन। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एल्कलाइन बाइल जूस में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है हमारे बाइल साल्ट, क्या प्रेजेंट होता है, बाइल साल्ट। ठीक है, ये हो गया सर, यहाँ तक समझ में आ गया कि देखो सर जो लीवर होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका वेट है 1.5 kg है, इसमें दो लोब होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो राइट लोब होता है वो थोड़ा बड़ा होता है जबकि लेफ्ट लोब होता है वो स्मॉल साइज का होता है। इसके लीवर्स के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उन सेल्स को हम बोलते हैं हिपेटिक सेल्स, क्या बोला जाता है, हिपेटिक सेल्स बोला जाता है। ठीक है, और ये हिपेटिक सेल्स होती है जो किसका सिक्रेशन करती है, याद रखना एल्केलाइन जूस का, किसका सिक्रेशन करती है, एल्केलाइन बाइल जूस का। इसमें किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें दो चीज़ें सीक्रेट होती है, एक तो पिगमेंट सीक्रेट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है और एक बाइल साल्ट प्रेजेंट होता
ठीक है। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? दो तरह के पिगमेंट होते हैं इसमें, बिली रूबिन और बिलवेडिन। कौन से होते हैं? बिली वेडिन। ठीक, यहां तक समझ में आया बेटा? बिलरूबिन और बिलवेडिन ये प्रेजेंट होते हैं लीवर के अंदर। अब बाइल जूस का फिर फंक्शन क्या है? फिर ठीक है, ये हमने कह दिया कि लीवर होता है जो किसका सिक्रेशन करता है? बाइल जूस का। किसका सिक्रेशन करता है बेटा? बाइल जूस का। तो इस बाइल जूस का फंक्शन क्या है? वो बाइल जूस का फंक्शन देख लेते हैं हम कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है। ठीक, ये जो ड्यूडेनम है, ठीक है, ये ड्यूडेनम में क्या करता है? एल्कलाइन मीडियम बना देता है। कौन सा मीडियम बना देता है? एल्कलाइन मीडियम। ठीक, जिससे और ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करता है बेटा? याद रखना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका ये काम क्या है? फैट का इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फैट के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना। किसमें? स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। ये किसका काम होता है? इसका काम होता है। ठीक है, तो बाइल जूस के क्या फंक्शन है? एक तो ये क्या करता है? ड्यूडेनम को एल्कलाइन मीडियम कन्वर्ट कर देता है। एक इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या हो गया? पहला तो हो गया एल्कलाइन मीडियम बनाना, दूसरा इसका क्या काम हो गया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब इमल्सिफिकेशन का क्या होता है? फैट मोलिक्यूल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, उसी को क्या बोलते हैं हम? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोला जाता है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब तीनों ग्लैंड समझ में आ गए? कौन कौन सी ग्लैंड्स थी तीनों ग्लैंड्स? लीवर पेनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पेनक्रियाज ग्लैंड्स में तीन तरह के एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करता है। ये सारे हमने देख लिए थे। तीन तरह की सेल्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। उसमें कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारा हम देख चुके हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, देखो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे ना, उसमें हमने देख लिया था कि एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ ली। अब हम आगरा अगर जो तीसरा प्रोसेस होता है अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो होता है डाइजेशन प्रोसेस। क्या होता है? डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस डाइजेशन प्रोसेस को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं कि डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस। ठीक, तो डाइजेशन प्रोसेस कौन कहाँ कहाँ पर डाइजेशन होगा? पहले मैंने आपको बता दिया था कि एक तो माउथ में डाइजेशन होगा, बक्कल कैविटी में। कहाँ कहाँ डाइजेशन होगा बेटा? बक्कल कैविटी में डाइजेशन होगा। ठीक है, दूसरा डाइजेशन कहाँ होगा? स्टोमक में। स्टोमक में डाइजेशन होगा। और कहाँ पर डाइजेशन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, तो बक्कल कैविटी का मैंने आपको डाइजेशन बता दिया था, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन में भी आपको स्टोमक का भी मैंने डाइजेशन बता दिया था। ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या कौन सा डाइजेशन होता है हमने बक्कल कैविटी पढ़ा उसी समय बता दिया था। स्टोमक में क्या डाइजेशन होता है हमने वो स्टोमक पढ़ा था उसी समय बता दिया था। अब आगे मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ सारी डाइजेशन प्रोसेस की कि बक्कल कैविटी में कौन सा डाइजेशन होता है। देखो आपको पता है कब बक्कल कैविटी में क्या सिक्रीशन होता है बेटा? सलाइवा। क्या प्रेजेंट क्या होता है? सलाइवा। और सलाइवा में एंजाइम कौन सा होता है? सलेवरी एमाइलेज। कौन सा होता है? सिलेवरी एमाइलेज। ठीक है, और ये किसका डाइजेशन करता है आपको पता ही है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका डाइजेशन करता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? ये किसका डाइजेशन करेगा? स्टार्च को किसमें बदलेगा? ये स्टार्च को बदल देगा हमारे माल्टोज में। कौन सा एंजाइम बदलेगा बेटा? याद रखना है सिलेवरी एमाइलेज। सिलेवरी एमाइलेज। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता एक बार बता दिए कि डाइजेशन प्रोसेस में आपको अगर एग्जाम में आ जाए डाइजेशन प्रोसेस, तो आपको बक्कल कैविटी में सबसे पहले डाइजेशन बताना है, और बताना है कि बक्कल कैविटी द्वारा सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, वो सलाइवा का सिक्रेशन करती है, उस सलाइवा में एंजाइम होता है सलेवरी एमाइलेज, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है और स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। तो ये तो हो गया हमारा बक्कल कैविटी का डाइजेशन। आगे हम बात करें स्टोमक का। किसका?
स्टोमक में किस तरह का डाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरा स्टोमक, ठीक है। देखो स्टोमक के द्वारा हमने आपको बात की थी कि तीन तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं स्टोमक में। हम बात करेंगे कौन कौन से एंजाइम्स है, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन कौन से है, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अब तीनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया था कि पेप्सिन से प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, ये मिल्क प्रोटीन कैसिन के डाइजेशन में हेल्प करता है और ये लिपिड के डाइजेशन में या फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो तीनों को देख लो वापस। तो पहला प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा, पेप्सिन। कौन करेगा बेटा, पेप्सिन। और ये किस प्रोटीन को किस में बदल देगा, पॉलीपेप्टाइड में। किस में बदल देगा, पॉलीपेप्टाइड में। दूसरा हमने देखा था कि रेनिन है जो मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन कौन सा, कैसिन। तो मिल्क प्रोटीन कैसिन को ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है। वो किस में बदल देता है, ये पैरा कैसिन में। किस में, पैरा कैसिन में। तो ये किसका डाइजेशन करता है, कैसिन प्रोटीन का। किसका, कैसिन प्रोटीन का, याद रहेगा। तीसरा देखा था गैस्ट्रिक लाइपेज, वो किसका डाइजेशन करता है, फैट का। और फैट को ये गैस्ट्रिक लाइपेज किस में बदल देगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज किस में बदल देता है बेटा, ट्राई ग्लिसराइड प्लस, ठीक है, ट्राई ग्लिसराइड और बाई ग्लिसराइड, ठीक है। तो इस तरह का ये स्टोमक में डाइजेशन होता है। याद रखना है कि माउथ में तो आपको एक ही एंजाइम याद रखना है, सलेवरी एमाइलेज, ठीक है। स्टोमक में आपको तीन एंजाइम याद रखना है, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और फैट का ये डाइजेशन करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन। अब मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाते वक्त नहीं बताया था, क्योंकि हमें वहाँ पर लीवर की भी जरूरत पड़ रही थी और पेनक्रियाज की भी आवश्यकता थी। तो हमने पहले लीवर और पेनक्रियाज पढ़ा, इसलिए अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब देखो किस किस का डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टार्च का, देखो स्टार्च का फिर से डाइजेशन होगा, ठीक है। और वो कौन करेगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। कौन करेगा बेटा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। याद रखना पेनक्रियाज मैंने आपको बताया था, उसमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड बताई थी उसमें जो जूस था, वो बाइल पेनक्रियाटिक जूस, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, याद रखना उसका नाम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। कौन सा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, तो पेनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर जो गैस वो पेनक्रियाटिक जूस था, उस पेनक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। ये स्टार्च को किस में बदल देगा, डाइसेक्राइड में। किस में बदल देगा, डाइसेक्राइड में। प्रोटीन को किस में बदल देगा, देखो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। इसमें और ट्रिप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा हो गया, पेप्टाइड्स। प्रोटीन को किस में बदल देगा, पेप्टाइड्स में, ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए और कौन सा एंजाइम पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन। वो किस में बदल देता है, पेप्टाइड्स में, ठीक है। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कौन सा पाया जाता है बेटा, पेप्टाइड्स में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। वो किस में बदल देगा इसको, स्मॉल, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में। पेप्टाइड्स को किस में बदल देगा, सिंपली याद रखो अमाइनो एसिड्स में। देखो ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ये सारे किससे रिलीज हो रहे हैं, पेनक्रियास के थ्रू। किसके थ्रू, ठीक है। अब उसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, फैट को हो गया, फैट के लिए हो गया हमारा पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया। अब एक और होता है फैट को, पेनक्रियाटिक लाइपेज। कौन सा,
पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। ये किस में बदल देगा? ट्राइग्लिसराइड में। पेनक्रियाटिक उसको किस में बदल देगा बेटा? ट्राइग्लिसराइड्स में, ठीक है। इसके अलावा डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। कौन सा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत पूर्व मैंने कहा था ना सारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए बहुत सारे एंजाइम्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। ये इसको किस में बदल देगा डीएनए को? डीऑक्सीराइबोज में। किस में? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स में, सॉरी किस में बदल देगा? न्यूक्लियोटाइड्स में। आरएनए को बदलने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? राइबोन्यूक्लिएज। कौन सा होता है बेटा? राइबोन्यूक्लिएज। और वो किस में बदल देगा इसको? राइबोन्यूक्लियोटाइड में। राइबोन्यूक्लियोटाइड में इसको बदल देगा। इसके अलावा हमने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की भी ग्लैंड्स होती है, वो भी एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है। उसके अलावा देखो जो और डाइपेप्टाइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की ग्लैंड होती है, वो भी हार्मोन सीक्रेट करती है, और वो भी फिर क्या करती है? फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो डाइपेप्टाइड्स है, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टिडेज एंजाइम। कौन सा? डाइपेप्टिडेज एंजाइम। वो किस में बदल देता है? अमाइनो एसिड में, ठीक है। माल्टोज है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम। कौन सा? माल्टेज एंजाइम। किस में बदल देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। लैक्टोज एंजाइम है, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम। कौन सा? लैक्टेज एंजाइम। लैक्टोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ग्लैक्टोज में, ठीक है। सुक्रोज है, तो सुक्रोज को बदलने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? सुक्रेज। अच्छे से बिल्कुल आप पढ़ोगे ये एंजाइम के नाम, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे। ये इसको बदलता है ग्लूकोज प्लस फैक्टोज में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लास्ट देखे न्यूक्लियोटाइड, जैसे हमारे न्यूक्लियोटाइड बन गए थे ना, तो न्यूक्लियोटाइड को और फर्दर डिवाइडेशन करना है तो न्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा एंजाइम होता है? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। वो किस में बदल देता है इसको? न्यूक्लियोसाइड में। किस में बदल देता है बेटा? न्यूक्लियोसाइड में। किस में बदल देता है? न्यूक्लियोसाइड में। इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होंगे और अल्टीमेटली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें सारा का सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और लार्ज मोलिकुल्स को बिल्कुल स्मॉल मोलिकुल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।